दिल में गड़बड़ कर ये करते हैं भैया, ग्राहक होते हैं वो कहते हैं हमें और सस्ता चाहिए, जितना आप सस्ता बोलोगे उतना सस्ता दिखाएंगे। आप कहोगे कि ये 50 पैसे का भी महंगा, तो वो यही घुमा के आपको 25 पैसे की दिखाएंगे कि हमारे पास और सस्ता है। बस कस्टमर का, उनका मेन मोटिव ये रहता है कि कस्टमर ले माल, क्योंकि बिल तो आप अपने हाथ से बनाएंगे नहीं। मैंने पिछली बार भी बोला था, अगर आपने अपने हाथ से बिल बनाना, हमारे यहाँ बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये कानों के टॉप्स हैं मेरे पास में इस तरह के, ये कानों का टॉप्स इस तरह का लटकन है। अब ये 60 रुपए डजन है, 5 रुपए का एक पेयर है, पेयर का मतलब होता है जोड़ी। पेयर 5 रुपए का है, 5 रुपए का पेयर है, जोड़ी है 5 रुपए की। अब वो करते हैं कि 5 रुपए का पेयर है, ठीक है, उसके बाद ये 12 पीस है इसमें, वो इसको 60 रुपए का पैकेट लगाते हैं। एक्चुअल में ये पैकेट ही 30 रुपए का है, 60 रुपए में ऐसे ऐसे 2 पैकेट आएंगे जब जाके दर्जन होगा। इसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेयर है, मतलब 12 पीस है। वो सिंगल पीस से वैसे लगाते हैं, इस चक्करों में ना पड़े खामा का आपको घर जाके 10 रुपए वाला, ये 10 रुपए का पेयर पड़ता है जो 5 रुपए का पेयर है एक्चुअल में, तो ग्राहक को लगता है हम सस्ता ला रहे हैं, एक्चुअल में घर जाके हाँ फिर भी वो कुछ कर नहीं सकते हैं कस्टमर का। सीधी सी बात है, कस्टमर जो फंस गया वो फंस गया, एक बार कट गया दोबारा नहीं आएगा। बारीकी चीज होती है दोस्तों, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे ये चीज है, जैसे लिप लाइनर है, EDS का लिप लाइनर रिटेल में 10 रुपए का बिकता है, आप देख सकते हैं। अब वो क्या करते हैं कि इनका सबका अलग अलग रेट बताते हैं। जैसे ये है, ये मिक्स के अंदर है, ये मैरून है, ये ब्लैक है, ये रेड है। इनमें डिमांडेबल कलर जो होता है वो रेड का होता है, मैरून होता है और मिक्स होता है और ब्लैक। ये ब्लैक कम चलता है, तो वो क्या करते हैं, जैसे ये रेड है तो इसको बताएंगे 90 रुपए दर्जन, 7.5 रुपए का। अच्छा हाँ, और कई बार ऐसे करते हैं 90 रुपए दर्जन, 6.5 रुपए का, तो एक्चुअल में 7.5 रुपए का पीस पड़ता है। ग्राहक का दिमाग जाता ही नहीं कि वो 1 रुपए सस्ता बता रहा है। 90 रुपए का पैकेट बताएंगे आपको और 6.5 रुपए का पीस बताएंगे। हाँ, तो ग्राहक को लगता है 6.5 का पीस पड़ रहा है, एक्चुअल में 90 रुपए दर्जन से आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो 7.5 रुपए का पीस पड़ता है ग्राहक को। हाँ, 1 रुपया सस्ता लगा। फिर उसके बाद में ये दिखाएंगे, अब ये दिखाएंगे, हाँ भाई 120 रुपए दर्जन है, 10 रुपए का पीस है, या 72 रुपए दर्जन, 6 रुपए का पीस। एक्चुअल में ये सब चीज जो है जितने भी हैं ये सारे के सारे 60 रुपए दर्जन है, 5 रुपए का एक पीस है मेरे पास। सारा एक ही मतलब? हाँ, सब एक ही रेट है, हमारे पास डबल का काम नहीं। वो क्या करते हैं, इसको अलग रेट देते हैं, इसको अलग रेट देते हैं, इसको अलग रेट, इसको अलग रेट। ग्राहक को लगता है हाँ ये एक्चुअल सही रेट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, इन चक्करों में ना पड़े। तो हमारे पास एक्चुअल एक ही रेट है, सबका रेट दोस्तों एक ही है, 5 रुपए का पीस है। लेकिन आप लोग क्या बता जाते हैं, ये 7 का है या ये 6 का है, ये 5 का है, मतलब वो एवरेज निकाल लेते हैं अपने डबल। तो बहुत सारी चीज तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा मार्केट के अंदर आके। तो सर और कुछ जानते हैं, जैसे ये सिंदूर है, अब ये सिंदूर में वो आपको बताते हैं कि 48 रुपए दर्जन है, 4 रुपए का एक पीस है। एक्चुअल में इसमें 6 पीस है, तो ये आधा दर्जन ही हुआ। अब वो बिल में लिखते हैं एक पैकेट 48 रुपए से। अच्छा, एक पैकेट 48 रुपए से, तो ये तो आपको 8 रुपए का पीस पड़ गया ना घर जाके। ग्राहक सोचते हैं हाँ ठीक है, तो वो ऐसे फ्रॉडबाजी आती है। मेरे पास कई कस्टमर ऐसे हैं जो अपना ब्याज में पैसा लेके आते हैं या कुछ भी गोल्ड रख के आ रहे हैं। आदमी काम इसलिए करता है कि घर की टेंशन खत्म हो, थोड़ा सा कुछ काम बढ़े, एक्चुअल में वो और दब जाते हैं। जी, तो वो थोड़ा सा सोच के ये चीज़ लगती है कि हाँ भैया ये गलत हो रहा है मार्केट में, हमने पहले भी ये चीज़ एक्सपोज की हुई है। उसके बाद में हमारी वीडियो देख के ही और वीडियो बनी है, तो उन चक्करों में ना पड़े। एक एक दुकान की 10-10 वीडियो है दोस्तों, आप भी ये सोच सकते हैं जब 50 पैसे 25 पैसे में कुछ नहीं आता, तो एक दुकान के 10 ओनर कैसे हो सकते हैं भैया। ये भी जानकारी हम अपने इस पे देते हैं कि हम बैठे हैं, हमारे से यहाँ मार्केट में बोलते भी हैं, बट हम देते हैं कि कस्टमर की कोई बात नहीं, किसी के सोच की जगह भैया 10 तो बचेंगे, किसी के साथ 10 जने तो बचेंगे जिनके साथ गलत नहीं होगा हमारी वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सी बात। तो ये हमारा फर्ज बनता है दोस्तों, आप लोग को अगर गुमराह होने से बचाए, फ्रॉड होने से बचाए, ये हमारा फर्ज बनता है, ताकि सारा आपको बारीकी से समझा सके। अब ये ऐसा, ये रेड पेंसिल दिखाते हैं सिंदूर की, ये रेड पेंसिल है सिंदूर की, तो इसके अंदर 3 दर्जन होता है, 36 पीस होते हैं, आप देख सकते हैं। वो 4 से 5 दर्जन बताते हैं इसको, आपको बताएंगे 60 रुपए दर्जन, 5 रुपए का, 4 दर्जन के पैसे लगा देंगे, 240 रुपए का बॉक्स लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये 90 रुपए का पूरा बॉक्स है, 30 रुपए दर्जन है, 2.5 रुपए का एक पीस है, 5 का बिकता है, 10 का बेच सकते हो, 5 का भी बेच सकते हो, वैसे मैं रिटेल में 5 का ही बेचता हूं। जी जी जी, सीधी सी बात। अब वो आपको बताएंगे कि ये 60 रुपए दर्जन है, 5 रुपए का है, या 2 रुपए का पीस है, तो 6 दर्जन बता देंगे, 144 रुपए का डब्बा दे देंगे 6 दर्जन का लगा के। कस्टमर ये नहीं गिनता ऐसे। अच्छा, बार बार मैं कह रहा हूँ कस्टमर ऐसे नहीं गिनता, कस्टमर रेट देखता है, हाँ एक पीस का इतना पड़ रहा है और तुरंत ले लेता है। बस वही चीज़ वो कस्टमर की खामी हो जाती है। जैसे ये नेल पेंट मैं दिखाना चाहूँगा, ये नेल पेंट ये दिखाते हैं, 24 रुपए दर्जन, 36 रुपए दर्जन। अगर ये 24 रुपए 36 रुपए दर्जन जितना भी माल मिलता है, अगर आपको किसी भी दुकानदार को चेक करना है, अगर वो जो भी दिखा रहा है 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपए 2 रुपए, आप सिर्फ जितने भी पैसे ले गए हैं उससे उसी का माल मांगे कि मुझे सिर्फ यही चीज़ चाहिए, कभी नहीं, मैं यहाँ डबल करके दूंगा, वो कभी नहीं देगा।
सीधे अगर देता है मेरे से यहाँ डबल ले जाओ आप 10 का लेके आ रहे हो, मैं 20 हैंड टू हैंड आपको 20,000 रुपए में खरीदूँ। इस तरह की आइटम आती है 42 रुपए दर्जन है, 3.5 रुपए की आइटम है। अभी ये जो है 3 दर्जन का बॉक्स है 126 रुपए का, ठीक है। हाँ इसमें 36 पीस है, वो 4 दर्जन 5 दर्जन ऐसे लिखते हैं, एक बॉक्स लिखेंगे, दर्जन भी लिखते पूरा बॉक्स लिखते हैं, एक बॉक्स 180 रुपए से, एक बॉक्स 240 रुपए से, कस्टमर कौन गिनता है भैया माल खोल खोल के। ऐसे ही कानों के टॉप्स में होता है, जैसे ये बाली है भैया, ये गारंटी की बाली आती है, इनकी एक एक साल की गारंटी है। ये 30 रुपए दर्जन 2.5 रुपए की जोड़ी है, वो 30 रुपए दर्जन 2.5 रुपए की जोड़ी बताएगा, इसमें 24 पीस गिनवाएगा आपको, असल में 12 जोड़ी हैं, तो जोड़ी के ही पैसे दे रहे हो ना आप 2.5 रुपए से, तो वो 60 रुपए का पैकेट लिखते हैं 2 दर्जन से, तो ये 5 रुपए की जोड़ी पड़ती है आपको घर जाके, ये फ्रॉडबाजी चलती है। तो बहुत बहुत दोस्तों एक एक बार की चीज होती है, आपको सब समझना पड़ेगा। मैं आपको रेगुलर आइटम में दिखा रहा हूँ जिससे आप बच सकते हैं, ठीक है, इन चीजों से। अब जैसे ये टिश्यू थिनर है भैया, तो ये 120 रुपए दर्जन है, 10 रुपए का है, कपलेट टिश्यू थिनर कहते हैं इसको, पेपर वाला थिनर है छुड़ाने वाला, 6 पीस का बॉक्स है ये, 120 रुपए दर्जन 10 रुपए का, तो 6 पीस ही 60 रुपए का बॉक्स हो गया, उसको 120 रुपए का बॉक्स लिखते हैं, ये 20 रुपए का पीस पड़ जाता है आपको घर जाकर। तो इन चीजों की जानकारी का ध्यान रखें, खासकर ध्यान रखें। अगर आपको किसी भी चीज की नॉलेज लेनी है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, नंबर ना मिले लैंडलाइन नंबर पे कॉल करें, फ्री में जानकारी लें, हर चीज लें, अपना माल कहीं से भी लो, 2-4 जगह देख के ट्राई करके, जब ले पैसा आपकी समझ आपकी सोच आऊंगी। और सर जैसे जानते हैं बिल के बारे में, बिल में लोग गड़बड़ी करते हैं, बिल में भी ये गड़बड़ी चलती है, जैसे ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये 24 रुपए दर्जन है, 2 रुपए का क्लचर है, तो ये 2 दर्जन का बॉक्स है, इसको कहते हैं एक पैकेट, इसके अंदर 6 पीस है, 6 पीस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये दर्जन नहीं हुआ, आधा दर्जन हुआ, दर्जन ऐसे हुआ मिला के, तो 24 रुपए के 2 पैकेट हो गए। अब ये ऐसे ऐसे 4 पैकेट आते हैं, 2 दर्जन का पूरा डब्बा है। अब वो क्या करते हैं, 24 रुपए से एक पैकेट लिखेंगे, और 24 रुपए से 4 पैकेट आपके हो गए, 96 रुपए का बॉक्स हो गया। एक्चुअल में ये बॉक्स ही 48 रुपए का, 24 रुपए दर्जन से 24 रुपए दर्जन और 24 रुपए दर्जन, तो ये 48 रुपए हो गए। वो 24 रुपए पैकेट से 4 पैकेट लिखेंगे, वो 96 रुपए का बॉक्स हो गया। बिल में ऐसे गड़बड़ी होती है। बहुत सारी बातें दोस्तों सर आपको, और ये है दोस्तों लवने कॉस्मेटिक आने के लिए एक बार एड्रेस बता दीजिए। बिल्कुल, माता शेरावाली मार्केट, शॉप नंबर 116, फुल कुतुब रोड चौक, और नियर बाई ये आपका कुतुब रोड चौक है। आप मेरा ये मेरी पहले भी वीडियो बनी हुई है, तो बहुत सारे कस्टमर आए जिन्होंने मार्केट ढूंढी है, कई बार यहाँ कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो वो मेरा दुकान का एड्रेस ढूंढते हुए, मैं बार बार कहूँगा इस चीज़ से सावधान रहें, क्योंकि यहाँ मार्केट में जो आसपास दुकान है, कई बार ग्राहकों को गुमराह करने के लिए वो कहते हैं भैया नहीं आए आज, यही शॉप नंबर 116 है, लवण्या ब्यूटी कलेक्शन है, तो उनके जहाँ से मैं ना आए हैं, जब तक मेरे से बात ना हो, या जब तक आप मेरी शॉप का ये कार्ड है, कार्ड वो फिर भी ले सकते हैं, बट ये लैंडलाइन नंबर जो इसके ऊपर लिखा है, जो स्क्रीन पे भी लैंडलाइन नंबर चल रहा है, स्क्रीन पे लैंडलाइन नंबर, उसको ट्राई करें, ये लैंडलाइन नंबर मेरे पास लगा हुआ है, इसको ट्राई करें, जब जाके कन्फर्म हो कि हाँ ये वही दुकान है, तब जाके मान लें। तो अगर कोई थर्ड पार्टी आपको बोलता है कि हाँ ये मेरी शॉप है, तो पहले उनको कॉल करें, कॉल करने के बाद वहाँ पर कंफर्म करें कि हाँ नहीं, तो मेरा लैंडलाइन नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, आप उस पे बेल बजा के ट्राई कर सकते हैं कि वही नंबर है या नहीं, इस चीज की भी खासकर सावधानी बरतें। भैया देखो सब तो दिखाते ही हैं, हर कोई दिखा रहा है वीडियो में, सब चीज है ये है वो, एक्चुअल में सच कोई नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ सच बताना चाह रहा हूँ, तो आज की वीडियो में चल गया सच्चाई के ऊपर कि चल क्या रहा है। अब ये 6 पीस का बॉक्स आता है, काफी है मेरे पास में 6 पीस का बॉक्स, मैं आपको एक रनिंग आइटम दिखा रहा हूँ, इस तरह का नेकलाइन का कॉम्पैक्ट है, ये 360 रुपए डजन है, 30 रुपए की रेंज में, मेरे पास में 10 रुपए से कॉम्पैक्ट शुरू है, वो सिंगल पीस की पैकिंग में आते हैं, ये ट्विन वन है, इस तरीके की आइटम है, ये 6 पीस का बॉक्स होता है, इसमें आप देख सकते हैं एक पीस मेरे हाथ में और 3 ये 2 ये 6 पीस का बॉक्स है, वो 360 रुपए की जगह आपको 240 रुपए का डब्बा बताएगा और 20 रुपए का पीस बताएगा। एक्चुअल में ये 30 रुपए का पीस है, तो आप 40 का क्यों ले दें इसको, अच्छा वो 6 पीस का डब्बा आपको पूरा डब्बा 240 रुपए का देगा, 40 रुपए का आपको पीस पड़ गया, दर्जन के पैसे लगाएगा, पूरा बॉक्स लिखेगा, दर्जन भी नहीं लिखेगा, अच्छा, और आप घर जाके पूछते हैं तो कहेगा भैया हमने बॉक्स बताया था 240 का, अच्छा, उससे फिर आप आर्गुमेंट या बहस नहीं कर सकते आपको। इसके अंदर क्या होता है, पिनों के अंदर खासकर ध्यान रखें, पिनों में जो है कस्टमर को घुमाया जाता है, जैसे ये एक डब्बी है, इसके अंदर 10 पिन होती है, ये जोड़ा पिन है ऐसे, और इसके अंदर पूरी डब्बी के अंदर आते ही 20 डब्बी हैं ऐसी ऐसी, ना 1 दर्जन ना 1.5 दर्जन ना 2 दर्जन, सिर्फ 20 पीस की क्वांटिटी होती है ऐसी। हाँ ये सेट आता है पूरा, ये ऐसे सेट आता है भैया, ये 115 रुपए का सेट है, 115 रुपए के दोनों डब्बे हैं। अब ये कस्टमर के साथ क्या करते हैं कि ये डब्बा है 180 रुपए का, इसके साथ ये डब्बा फ्री, अच्छा अच्छा, तब भी कस्टमर की जेब से गया, कस्टमर सोचता है फ्री के लालच में ना पड़े, समझे चीज को फिर लें।
ये 180 का डब्बा बताएंगे उसके साथ ये फ्री दे देंगे, आपकी जेब से फिर भी चले गए पैसे, 65 रुपए फिर भी चले गए आपकी जेब से, या 55 रुपए फिर भी चले गए, या फिर बताएंगे आपको ये 60 रुपए दर्जन, 5 रुपए की एक डब्बी 10 रुपए की बिकती है, इसके अंदर फिर लिखेंगे 2 दर्जन का बॉक्स या 1 बॉक्स 2 दर्जन का, आपने पूछा दो कितने का बॉक्स है तो वो कहेंगे 60 रुपए दर्जन से 120 रुपए का बॉक्स है, बट इसके अंदर तो 20 ही पीस है, 20 पीस के पैसे देने हैं आपने। इन चीजों का खासकर ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसे नॉलेज दोस्तों कोई नहीं देने वाला मार्केट के अंदर, सब पता है कि अपना काम करने वाला है, काम मतलब इंसान है, इसलिए ऐसा इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में देखने मिल रहा है, इसलिए आप किसी की वीडियो उठा ले कोई नहीं समझाएगा, हर कोई अपने अपनी चैन चला रहा है, कोई कुछ दिखाएगा, कोई सेट दिखाएगा आपको 2 रुपए का, कोई नेल पेंट दिखाएगा 25 पैसे की, कोई आपको कुछ दिखाएगा, कोई कुछ दिखाएगा, किसी चीज पे जहाँ से आपको सेटिस्फाई हो, जहाँ भरोसा हो वहाँ। बिल्कुल, हमारे काम में लोगों आपको लोग बताना है कि एक बार सतर्क हो जाए। मैं ये नहीं कहता मेरे से ले, आप जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से ले, मेरा काम समझाने का है, क्योंकि भैया का काम है वीडियो बनाने का, इनको नहीं मालूम एक्चुअल में मार्केट में चल क्या रहा है। पिछली बार भी हमारी इस चीज को लेकर थोड़ा सा हमने क्लियरिफाई करा था, हमने एक्सपोज किया था, अब ये दिखाते हैं आपको। हाँ, 12 रुपए दर्जन 1 रुपए का एक, एक्चुअल में इसमें 6 जोड़ी है, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी और 3 जोड़ी, इधर ये 6 जोड़ी, तो ये 6 रुपए का पैकेट ही तो हो गया, 1 रुपए जोड़ी है, वो इसको लिखते हैं 12 रुपए पैकेट से, 12 पैकेट पैकेट, तो ये 2 रुपए की जोड़ी हुई, सिंगल पीस के पैसे लेते हैं वो आपसे। अच्छा। इस चीज का खास कर ध्यान रखें, क्वांटिटी में आपको घुमाएंगे, जैसे ये बिंदी का बॉक्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये 3600 रुपए दर्जन है, 3 रुपए की एक बिंदी है, 3 दर्जन का बॉक्स 108 रुपए का है, तो वो दिखाएगा आपको 3 रुपए का, और 6 दर्जन का बॉक्स लिखेगा सीधा 216 रुपए का। इस चीज का खास कर ध्यान रखें, बार बार समझा रहा हूँ मैं आपको। बहुत बढ़िया, मतलब एक वैरायटी आपको यहाँ पे दोस्तों मिलने वाली है, लेकिन ऐसे जंगली बहुत ही अच्छा, देखो वैरायटी हर कोई दिखा रहा है, वैरायटी हर कोई, जो जिसकी सदर बाजार में दुकान है, वैरायटी हर कोई लेके बैठा, तो वैरायटी मेरे पास भी है, मेरे पास 50 पैसे 1 रुपए की जोड़ी से लेके कानों का टॉप में 150 रुपए तक की जोड़ी है, ऑल कॉस्मेटिक है, बट मैं वो सब नहीं दिखाना चाहता जैसे और लोग दिखाते हैं, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ। अब कस्टमर आते हैं, कई बार मैंने भी देखा है निकलते बढ़ते कस्टमरों के बैठे रहते हैं, तो हम भी देखते हैं कि कस्टमर को कितना बेवकूफ बनाया जाता है और कस्टमर अपनी माइंड नहीं लगाते, तो इस आइटम को वो दिखाते हैं 180 रुपए का बॉक्स, 7.5 रुपए का पीस। अच्छा, हाँ, तो कस्टमर फिर भी दिमाग नहीं लगाता यार, इसके अंदर तो 12 पेयर हैं, तो ये 15 रुपए का तो पेयर पड़ गया आपको, वो सिंगल पीस के पैसे बताएगा आपको, 7.5 रुपए का पीस 180 का बॉक्स। अच्छा, इस चक्करों में ना पड़े। हाँ, 90 रुपए का बॉक्स है तो 90 ही देने हैं आपने, 180 नहीं देने, सीधी सी बात। बिल्कुल, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, जैसे ये सिंगार का बॉक्स है, इसमें ये बिंदी है, ये 72 रुपए का पूरा बॉक्स है, इसके अंदर 150 कार्ड आते हैं, 72 कार्ड आते हैं। अब ग्राहक ये डब्बी देख के तो गिनेगा नहीं कि इसके अंदर कितने पत्ते हैं, ऐसे तो लेके गिनोगे नहीं आप, तो वो आपको बताएगा 70 पैसे का कार्ड, 180 का डब्बा। ग्राहक कहता है 70 पैसे का कार्ड 1 रुपए का बेच लूंगा, ले जाते हैं, एक्चुअल में वो 180 रुपए का डब्बा है, तो उसमें 150 कार्ड है, ये तो 1 रुपए कुछ पैसे का पड़ गया आपको, 1 रुपए 25 पैसे का। ग्राहक फिर भी 1 रुपए का बेच के वो सोचता है मैं 70 पैसे का लाया हूँ, जहाँ से मैं रहते हैं 50 पैसे का या 75 पैसे का मैं लाया हूँ, 1 रुपए का मैं बेच रहा हूँ या 2 का बेच रहा हूँ, उस चार लालच में वो बेचारे जो 10 का माल ले जाते हैं 5 का बेच लेते हैं, उन्हें कुछ बचता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता। वो जैसे आपने सब चीज़ का समझाया, अच्छे तरीके से समझाया, ताकि कस्टमर आपसे ध्यान रखे इस बात का। चल तो चलिए, ये वीडियो एंड करने से पहले आप जानते हैं क्या आइटम आपके पास है। मेरे पास भी है ऑल कॉस्मेटिक, मेरे पास टोटली लेडीज की आइटम मिलती है जी, जैसे कॉस्मेटिक आप देख सकते हैं मेरे पीछे कॉस्मेटिक लगी हुई है, लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक, सिंदूर, लाइनर, मस्कारा, क्लिप, क्लच, टोटली आइटम मिलती है मेरे पास जी। जी जी, बिंदी मिलने वाली है, ज्वेलरी मिलने वाली है दोस्तों। इस शॉप के अलावा भी अपने 5 शॉप और है, जैसे अंडर गार्मेंट्स है लेडीज के, पजेब, चुटकी, पायल, बिछिया, लेडीज पर्स, डियो, परफ्यूम, बेल्ट, ये टोटली आइटम मिलती है मेरे पास में लेडीज की आइटम। कॉस्मेटिक की मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने ज्वेलरी भी दिखाई है, मैंने यहाँ सिर्फ आपको समझाया है, और जो हम आज जो ये वीडियो बना रहे हैं ये कस्टमरों की कस्टमर जो मेरे पहले जुड़े हुए हैं उनका ही एडवाइस थी कि मैं दूसरी नई वीडियो कब लेके आऊँ, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और ये मैंने सिर्फ समझाया है, क्योंकि जो मेरे पास कस्टमर जो पहले कटके जा चुके हैं, जो यहाँ इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, जो मेरे साथ जुड़े, उन्होंने मुझे बोला कि भैया एक वीडियो में और अच्छे से समझाएं, ताकि जो उनके साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, इसलिए मैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ें आपको समझाई हैं। मेरा मेन पर्पज सिर्फ समझाना है, रेट दिखाना नहीं, क्योंकि वैरायटी मेरे पास बहुत है। मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ अंडर गारमेंट्स, पजेब, चुटकी, पायल, बिछिया, जो मेरे कस्टमरों ने मेरे से या व्यूवर्स ने मेरे से डिमांड की है, मैं वो दिखाऊंगा आज आपको। प्रसन्न भाई, जैसे आपने बताया कि आपके पास एक काउंटर है, तो इसके अलावा क्या आइटम दिखाने वाले हो? मैं इसके बाद में भी आपको जो है दूसरा काउंटर दिखाने वाला हूँ, जहाँ अंडर गारमेंट्स वगैरह और बैंगल्स वगैरह मिलते हैं। तो अब फिलहाल आ चुके हैं यहाँ पे जो बड़ा पिंडी बैंगल का सेक्शन है, तो प्रसन्न भाई बताइएगा। ये अपना दूसरा काउंटर है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सैंपल भी लगा रखा है मनियारी का अपना जी, ये थोड़ा सैंपल है, कोई कस्टमर आते हैं बाकी इस तरह के अपने पास चूड़े वगैरह मिल जाएंगे।
करेंगे, 180 रुपए से स्टार्टिंग में छूट होगी और जितनी मर्जी वैरायटी ले सकते हैं, काफी अच्छी वैरायटी है। फिर इस तरह के मिलने वाले मेरे पास में, जैसे कांच के कड़े वगैरह आ जाएंगे, सीप में आ जाएंगे, इस तरह की आइटम आएगी मेरे पास में, बच्चों के आइटम ये सेट होते हैं। इसमें साइज देख सकते हैं आप, मिक्स है, जैसे सबसे छोटा साइज, उससे बड़ा साइज, उससे बड़ा साइज, उससे बड़ा साइज, तो एक बॉक्स में सारे साइज मिलने वाले हैं। बच्चों की आइटम है मेरे पास में 60 रुपए दर्जन है, 5 रुपए का पूरा सेट है मेटल के अंदर, ये देख सकते हैं अंदर पूरा मेटल है, ये मेटल के अंदर है। हाँ, ओके। फिर इस तरह का आ जाएगा, इससे ऊपर आएगा, ये 90 रुपए दर्जन है, 7.5 रुपए का सेट है, ये 12 चूड़ी होती है इसके अंदर बच्चों की आइटम है, दो दो पीस के 6 कलर है। फिर इस तरह की आइटम आ जाएगी मेरे पास में, ये फैंसी आइटम आ जाएंगी, इस तरह का सेट है, ये 120 रुपए दर्जन है, 10 रुपए का मात्र जोड़ा है, ये 30-40 रुपए का रिटेल में बिकता है। आप देख सकते हैं पटरी वगैरह पे भी है, बजारों में, शुक्र बाजार, बुध बाजार, मंगल बाजार वगैरह में 20-20 रुपए के खुले बिकते हैं, तो आपने सप्लाई करना 12-15 रुपए का सप्लाई कर सकते हैं। कितने मिलने वाले बताइए? कलर मिल जाएंगे भैया, 17-18 कलर मिलेंगे मेरे पास में, साइज भी मिल जाएंगे सबके मेरे पास में। चलिए, तो यहाँ पे एक्चुअली ब्रा पेंट और बैंगल्स का पूरा आपको सेक्शन मिलने वाला है दोस्तों, देख सकते हैं। और यहाँ पे पायल बिछा की रेंज भैया बताइए? हाँ, पायल मिल जाएगी भैया मेरे पास में, 72 रुपए दर्जन 6 रुपए की है, 90 रुपए दर्जन 7.5 रुपए की, 180 रुपए दर्जन 15 रुपए की। एक दो सैंपल दिखा देता हूँ मैं आपको, सारी आइटम दिखाना देखो पॉसिबल नहीं है। इस तरह के मेरे पास हेयर बैंड मिल जाएंगे, 24 रुपए दर्जन, 2 रुपए से स्टार्ट है, महंगा जितना मर्जी ले सकते हैं। आजकल ऐसी चल रही है आइटम, ये देखो फ्लावर के अंदर, ये 90 रुपए दर्जन 7.5 रुपए की रेंज, 180 रुपए दर्जन 15 रुपए, 144 रुपए दर्जन 12 रुपए। ये फैंसी जूड़ा भी आएंगे स्टोन के अंदर, ये चाइनीज क्लेचर आ जाएंगे इस तरह के, 3 रुपए से स्टार्टिंग है, जितना मर्जी ले सकते हैं हैवी के अंदर, 3 रुपए से स्टार्ट है, महंगा जितना मर्जी ले सकते हैं आप। वैरायटी बहुत है, ज्यादा दिखाऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, उसका कोई बेनिफिट नहीं। ये अनब्रेकेबल आएगा मेरे पास में, जो क्लेचर टूटता नहीं है, ये अनब्रेकेबल क्लेचर है मेरे पास में, ये 90 रुपए दर्जन है, मात्र 7.5 रुपए का क्लेचर है, जो टूटता नहीं है, अनब्रेकेबल क्लेचर है। ये चाइनीज क्लेचर मिल जाएंगे, काफी वैरायटी मिलने वाली है मेरे पास में, नेल कटर वगैरह, सुई धागे, बटन, टोटली आइटम मिलता है। इस तरह की सीजर मिल जाएंगे, कैंची है ये 72 रुपए का पूरा बॉक्स है, 6 रुपए की कैंची है मेरे पास में। ट्रेलिंग आइटम भी मिलेगी, जैसे ये सुई है, धागे हैं, बटन है, ये इंची टेप है, ये इलास्टिक है, बुकरम है, टोटली आइटम मिलने वाली है, टेलरिंग आइटम मेरे पास भी, ठीक है। उसके बाद में ऐसी ब्रा पैंटी वगैरह आ जाएंगे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ सारी वैरायटी नहीं दिखा पा रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ चल क्या रहा है मार्केट में। जैसे ये दिखाते हैं भैया, 240 रुपए दर्जन 20 रुपए की पैंटी, एक्चुअल में इसमें 20 ही पीस है, 10 पीस है इसमें, तो ये 12 पीस के पैसे लगाते हैं, 10 पीस है इसके अंदर, तो ये पीस आपको घर जाके महंगा पड़ने वाला। 12 पीस इसके अंदर आते हैं, 6 पीस इधर आते हैं, 6 पीस उधर आते हैं, इसके अंदर साइज मिलेंगे, स्मॉल है, लार्ज है, एक्सेल है और डबल एक्सेल है, ऐसे। चलो शॉर्ट है, इस तरह की ये लटकन, सूटों की लटकन मिलने वाली है मेरे पास में, 30 रुपए दर्जन, 2.5 रुपए से स्टार्ट है मेरे पास में, महंगी जितनी मर्जी है, महंगे का कोई अंत नहीं है, सस्ती स्टार्टिंग रेंज बता रहा हूँ सिर्फ रेगुलर आइटम आपको, 30 रुपए दर्जन, 2.5 रुपए का एक पीस पड़ने वाला है मेरे पास में। इसमें कलर डिजाइन बहुत मिल जाएंगे, इस तरह के कलर डिजाइन है, सब में कलर डिजाइन मिलेंगे, एक डिजाइन का एक पैकेट होता है, बट हम एक पैकेट के अंदर सारे डिजाइन मिक्स करके देते हैं आपको। इस तरह की ब्रा मिलने वाली है मेरे पास में, ये देखो, ये 72 रुपए दर्जन है, 6 रुपए की ब्रा है, इसके अंदर 3 साइज मिक्स होते हैं, 28, 30, 32, 3 साइज मिक्स आएंगे इसके अंदर, पैकेट के अंदर 3 साइज मिक्स आते हैं, थोड़ा सा बढ़िया लोग इस तरह की आ जाएगी, 90 रुपए दर्जन है, 7.5 रुपए की, और अच्छी लोग इस तरह की आ जाएगी, 144 रुपए दर्जन है, 12 रुपए की ब्रा, आराम से 30 रुपए 40 रुपए की बिकती है। थोड़ा और बढ़िया लोग कॉटन के अंदर इस तरह की आएगी, 216 रुपए दर्जन है, 18 रुपए की ब्रा है, 3 साइज मिक्स होते हैं, साइज की कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है, 3 साइज मिक्स होते हैं और कलर आएंगे इसमें भी। थोड़ा फॉर्म वाली लोग इस तरह की आएगी, ये देखो फॉर्म वाली 264 रुपए दर्जन है, 22 रुपए की ब्रा है और ये आराम से 50-60 रुपए की बिकती है रिटेल के अंदर। बॉक्स के अंदर भी काफी वैरायटी मिलने वाली है मेरे पास में, ये देखो 180 रुपए दर्जन है, 15 रुपए की ब्रा है, मात्र 15 रुपए की। इसमें साइज आते हैं 34, 32, 36, एक साइज का एक बॉक्स होता है, अगर एक साइज का एक बॉक्स मिल रहा है, 6-6 पीस भी अवेलेबल हो जाएंगे आपको। थोड़ा सा बढ़िया में लोगे, ये शिल्पा का ब्रांड आता है, इस तरीके की आइटम है, इस तरह का देखो 396 रुपए दर्जन है, 33 रुपए की रेंज के अंदर है, और अच्छी होगा और अच्छी रेंज मिल जाएगी मेरे पास में, एमआरपी वाली आइटम आ जाएंगी। जैसे इस पे एमआरपी, ये देखो ब्रा पैंटी का सेट भी आएगा मेरे पास में, इन पे एमआरपी आती है 99 रुपये, 199 रुपये एमआरपी आती है, 420 रुपए दर्जन है, 35 रुपए की रेंज में ये ब्रा पैंटी का सेट आ जाएगा, 420 रुपए दर्जन, 35 रुपए की रेंज में, काफ़ी आइटम अवेलेबल है मेरे पास में। जैसे ये देखो एमआरपी की आइटम आ जाएंगी, इस पे एमआरपी आएगी भैया तुम्हारी 105 रुपये, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा जूम करेंगे तो 105 रुपये है, हाँ काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, हाँ, और ये इसकी इलास्टिक है जो लूज़ नहीं पड़ती है जल्दी से, तो ये 540 रुपये दर्जन है, 45 रुपये की रेंज के अंदर है। थोड़ा और अच्छा पैटर्न लोगे इस तरह की आ जाएगी, 420-35 रुपये की रेंज। बाकी भैया सारी आइटम दिखाना तो देखो पॉसिबल है नहीं, मैं फिर भी एक दो आइटम आपको और दिखा देता हूँ, थोड़ा और फैंसी लोगे, फैंसी कोई अंत नहीं है, इस तरह की आइटम आ जाएगी, ये ऐसी आएगी देखो, 96 रुपये एम आर पी है, 30 रुपये की पड़ती है, 360 रुपये का पूरा बॉक्स है। बाकी और बढ़िया लोगे तो इस तरह के कड़े आ जाएंगे, ये देखो इस तरह के मेरे पास में चूड़े मिलने वाले हैं आपको, 180 रुपये से स्टार्ट है, महंगा जितना मर्जी ले सकते हैं। सीप के चूड़े आएंगे, कड़े आएंगे, सीप के आइटम है, ये थोड़े से इस तरह के आएंगे, लटकन वाले कड़े आएंगे मेरे पास, इसमें साइज मिक्स होते हैं, 2-2 का, 2-4, 2-6, 2-8, सारे साइज मिक्स आएंगे, इस तरह की आइटम है।
ये 300 रुपए दर्जन है, 25 रुपए का जोड़ा है, डब्बे में डाल के इसको आराम से 60-70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए का बेच सकते हैं। ये इस तरह का लटकन का आएगा, 25 रुपए की आइटम है। जैसा मैंने बताया था, देखो पायल मेरे पास में इस तरह की मिलने वाली है, 72 रुपए का पूरा पैकेट है, 6 रुपए की जोड़ी है। हमेशा ध्यान रखें भैया, ये बताते हैं आपको मार्केट में जोड़ी है, लगाते सिंगल पीस 144 रुपए का पैकेट लगाते हैं अपने, ऐसा कोई काम नहीं है। 72 रुपए का पूरा पैकेट है, 6 रुपए का पेयर आराम से 30 रुपए का बिकता है। सिंगल एंकलेट भी बिकती है 20-20 रुपए की। थोड़ा इसके अंदर डिजाइन पैटर्न लेंगे तो इस तरह के आएंगे, डिजाइन पैटर्न का कोई पैसा नहीं है, थोड़ा और हल्के में लेंगे और बढ़िया में इस तरह की आएंगी, इससे अच्छी लोगे तो। इस तरह की काफ़ी आइटम मिलने वाली है मेरे पास में, फैंसी फैंसी आइटम 20 रुपए से स्टार्ट है, 20 रुपए, 24 रुपए, 25 रुपए, 60 रुपए, 90 रुपए जोड़ी तक की आएगी मेरे पास में। और अच्छी फैंसी लेंगे इस तरह की, जैसे मैंने बताया था कानों के टॉप्स वगैरह जैसे सिंगल पीस में बताते हैं, इस तरह की आइटम देखो, ये फैंसी आइटम है, ब्राइडल पायल है, ठीक है। वो जैसे वो सिंगल पीस में बताते हैं ऐसे ही इसमें सिंगल पीस के पैसे लगाते हैं। एक्चुअल में ये जोड़ी होती है, 90 रुपए की जोड़ी, 60 रुपए जोड़ी की रेंज है, ठीक है। वो 60 रुपए सिंगल पीस लगाएंगे, 120 रुपए की जोड़ी देंगे आपको, इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। ऐसे ही चुटकी में होता है भैया, वो चुटकी का चौका बताते हैं, चुटकी का चौका बताएंगे, चौका चलता है। जैसे ये 6 रुपए का चौका है, गोटा चांदी के अंदर है, मेरे पास में 3 रुपए चौके से स्टार्ट है चुटकी जो है। अब ये जोड़े में लगाते हैं, ये 6 रुपए का ये जोड़ा लगाएंगे, 12 रुपए का चौका लगाएंगे बिल में।